है, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे साथ ना इंसाफी हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। और जब सौतेला व्यवहार हो रहा है तो उसका हम लोग निर्णय लेंगे और ऐसा उग्र रूप लेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता चल जाएगा कि ग्रामीण चिकित्सक क्या है। जिस दिन हम लोग का स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त कर देंगे उस दिन पता चल जाएगा कि बड़े बड़े डॉक्टर आप बड़े बड़े आप हॉस्पिटल जितने भी बने हुए वो सब की बस की बात नहीं है। सरकार मार्च तक हमारी कोई उम्मीद पर खरा नहीं उतरती है तो हम लोग मार्च में पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक पटना में महाधरना देंगे, माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर धरना देंगे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आवास को घेराव करेंगे। कि जो ये मुख्यमंत्री दो दिन तीन दिन आने वाले थे, पता चला तो इतना जोरों शोर से काम चला स्कूल में, स्कूल टूटा हुआ था, बाउंड्री नहीं थी, गेट नहीं था, किचन नहीं था, ये सब बन गया इनके आने से। यही काम 5 साल के अंदर में हुआ होता इतना जल्दी जल्दी नहीं ना करना पड़ता। यही हम लोग आए तो जो भी काम करिए 5 साल के अंदर में करिए, एक दिन आने की वजह से आप पूरा काम कर दिए। बिजली विभाग पूरा सफाई करिए, सफाई हमेशा होना चाहिए, हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था सही करना चाहिए कि हम लोग का ग्रेजुएशन टाइम से होता नहीं है। नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। अभी हम रोहतास जिले के सासाराम में मौजूद हैं और सासाराम का ये नेकरा गांव है और यहां पर समाधान यात्रा को लेकर के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ है, जिसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग अपनी समस्या कि लोगों की क्या समस्याएं हैं और लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुभाष चौधरी, एक बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच का शाहबाद प्रमंडल उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग बिहार सरकार से ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक हैं। बिहार सरकार हम लोग को 1 साल की ट्रेनिंग दी है, डिप्लोमा से हम लोग पास किए हैं, लेकिन बिहार सरकार हम लोग का ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। जबकि बिहार सरकार हेल्थ के मामले में नॉन मेडिकल आशा ममता आंगनबाड़ी सेवकाओं को जो है सरकार काम ले रही है, लेकिन हम लोग को चिकित्सा के क्षेत्र में ट्रेनिंग देकर के सरकार हम लोग की उपेक्षा कर रही है। ये सरकार से हम लोग की मांग है कि सरकार हम लोग पर ध्यान दे, हमें भी स्वास्थ्य मित्र में बहाल किया जाए और स्वास्थ्य सेवा में हमारा उपयोग किया जाए, हमसे काम लिया जाए, यही सरकार से हमारी मुख्य मांगे हैं। दूसरी बात है कि सरकार हम लोग का रजिस्ट्रेशन करे, जैसे MBBS MS को जो रजिस्ट्रेशन मिलता है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा भी उस तरह का रजिस्ट्रेशन हो, हम भी सरकार के दायरे में रहें, सरकार के रजिस्टर में रहें, मुख्य मांग हमारी यही है। रोहतास जिला के इस नेकरा गांव में आज मुख्यमंत्री जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका आगमन हुआ तो किस किस समस्याओं का समाधान हो पाया है? देखिए, समस्याओं का तो अभी कोई समाधान हो नहीं पाया है अभी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग का ज्ञापन लिया है और ज्ञापन लेकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आप लोगों का काम करूंगा, बहुत जल्द करूंगा, लेकिन आपके लोगों के माध्यम से हमें ये कहना है कि सरकार जल्द से जल्द हम लोगों पर ध्यान दे। अच्छा, क्या लगता है कि आपको आश्वासन दिया गया है, आश्वासन पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े उतरेंगे? अगर वो खड़े नहीं उतरते हैं तो पूरे बिहार प्रदेश में जो हमारा संगठन है, इस पूरे बिहार में हम लोग महाधरना की तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार मार्च तक हमारी कोई उम्मीद पर खरा नहीं उतरती है तो हम लोग मार्च में पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक पटना में महाधरना देंगे, माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर धरना देंगे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आवास को घेराव करेंगे। चाहे वो राज्य के छात्र हों या फिर तमाम तरह के और भी संगठन के लोग हों, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है और तमाम तरह के उन पर मतलब कड़े कड़े कानून लगाए जाते हैं और तमाम तरह के उन पर उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सत्य कहा आपने, लेकिन हम लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं जी, हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन जो करेंगे उनका उग्र रूप नहीं होगा, हम लोग शांतिपूर्वक सरकार के समक्ष जाकर के अपना धरना करेंगे। अगर उस पर भी सरकार हमारे ऊपर कोई तरह की दंडात्मक कार्रवाई करती है तो यह बिहार ग्रामीण चिकित्सक से डरने वाला नहीं है, पूरे बिहार का हम लोग स्वास्थ्य सेवा को ठप कर देंगे। यह चैलेंज है बिहार सरकार को, तो पूरे स्वास्थ्य सेवा को ठप कर देंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर रामचंद्र सिंह है। किस प्रकार की समस्याएं हैं आप? हमारी समस्या एक ही है, हमें ट्रेंड कीजिए और बहाल कीजिए। जो ट्रेंड है उनको बहाल कीजिए, जो अनट्रेंड है उनको ट्रेंड कीजिए और ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र पर स्वास्थ्य मित्र में बहाल कीजिए। यदि आप एक अनपढ़ आशा की बहाली कर सकते हैं और उनसे चिकित्सा में काम ले सकते हैं तो हम लोग तो ऑलरेडी ट्रेंड हैं। हम लोग किसी MBBS के साथ में रहे हुए हैं, किसी FCS के साथ में रहे हुए हैं और ग्रामीण NIO से हम लोग खुद ट्रेंड करता है। तो सरकार से मांग है कि प्रति वर्ष अनट्रेंड को ट्रेंड किया जाए और ट्रेंड को जल्दी नियोजित किया जाए।
ठीक है, यही मांग है हम लोगों का। चलिए, आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ तमाम तरह के अपने अपने हाथों में बैनर लिए हुए हैं और अपनी अपनी समस्याओं को दिखाने के लिए मीडिया कर्मी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर आलोक कुमार सोनी, बिहार ग्राम चिकित्सा मंच का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। कहने का मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2014 में कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोगों को आश्वासन दिया था, हम लोगों को बुलाया था कि आप लोग को एक ट्रेन कर एक गाँव में आप लोग का अच्छे से इलाज करने के लिए आप लोग का ट्रेनिंग दिया जाएगा कि जो गांव में गरीब गुरुवा जो रहते हैं उनका अच्छा से अच्छा इलाज हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम किए कि हम लोगों को ट्रेनिंग दिए। वो भी ट्रेनिंग कब हुआ? जब फार्म भराया 2014 में, हम लोग का ट्रेनिंग हुआ 2018 में, 19 में एग्ज़ाम हुआ और 20 में सर्टिफिकेट मिला। उसके बावजूद भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना चाहता हूँ कि जब बिहार में आपको 4 से 5 लाख ग्रामीण चिकित्सक है, उन्होंने बोला था कि जितने भी बिहार के ग्रामीण चिकित्सक हैं सबको प्रशिक्षित कर स्वास्थ्य विभाग में उनका नियोजन किया जाएगा। पहले रोड बनता है, तब हाईवे, तब सड़क बनता है, तब रोड पर गाड़ी दौड़ाया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, जब ट्रेन कर दिए, रोड पर सड़क बना दिए, सब कर दिए, गाड़ी आ गई, तब गाड़ी को तो दौड़ाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया वो निभाया नहीं, इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। जो आशा, ममता, आंगनबाड़ी, जीविका दीदी को उन्होंने तुरंत घोषणा कर दिया, जो कम पढ़े लिखे हैं लोग हैं उनका तुरंत 11,000 की नौकरी बहाल कर देते हैं। हम लोग को पढ़ा लिखा कर जो 20-20 साल से गांव में सेवा दे रहा है गरीबों को, हम लोग सेवा दे रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं निर्णय लिया जा रहा है। जो कि साक्षर आप ही ने बनवाया, MBBS MD डॉक्टर से पढ़वाया लिखवाया, आपने डिग्री भी दिया, मगर उसका क्या फायदा? जब डिग्री दे दिए, हम लोग रोड पर मारे चल रहे हैं और जो अनपढ़ गवार है, जो नॉन मैट्रिक है उसको बहाल कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। और जब सौतेला व्यवहार हो रहा है तो उसका हम लोग निर्णय लेंगे और ऐसा उग्र रूप लेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता चल जाएगा कि ग्रामीण चिकित्सक क्या है। जिस दिन हम लोग का स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त कर देंगे, उस दिन पता चल जाएगा कि बड़े बड़े डॉक्टर, आप बड़े बड़े आप हॉस्पिटल जितने भी बने हुए वो सब की बस की बात नहीं है। क्योंकि गरीबों के पास पैसा रहे ना रहे, हम लोग उसकी सेवा देते हैं। आए बड़े डॉक्टर के पास जाइएगा तो उसके पहले तो 500 रुपये फीस, उसके बाद 1,500-2,000 की जाँच, 2,500-3,000 की आपकी दवा, तो 5,000 से 7,000 रुपया लग जाता है उसको सिर्फ एक इलाज कराने में। हमारे यहाँ 100 रुपया रहेगा तभी ग्रामीण चिकित्सक का इलाज हो जाता है। इससे बड़ा चीज़ और क्या चाहिए सरकार को? एक नियोजन कर देते तो कम से कम ये तो होगा ना कि और अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं, कम से कम लगेगा। कोरोना काल में हम लोगों ने जो सेवा दिया, हम लोग घर घर जाकर सेवा दिए, MBBS डॉक्टर क्या कहते हैं कि हमारे गाँव में हम लोग सेवा नहीं दे सकते हैं, हम अगर मर जाते हैं तो मेरी बीवी विधवा हो जाइए, मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा। क्या हम लोग का बीबी बाल बच्चा नहीं है? कितने ग्रामीण चिकित्सक अपने आहुति दे चुके हैं अपने कोरोना काल में बचाते हुए। माननीय नीतीश कुमार जी ने कोई हम लोग को सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिया था, फिर भी हम लोग ने जान माल को न देखते हुए हम लोग अपने बल पे ग्रामीण चिकित्सक मिलकर हम लोग सेवा दिए और लोगों को जान बचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे बिहार के 38 जिला से पता चला कि DM से जब मांगा गया कि स्पष्टीकरण के बिहार का जो कोरोना काल में क्या स्थिति है, वो उन्होंने DM साहब लोग ने बताया कि अगर ग्रामीण चिकित्सक ना होते तो आज 50 लाख लाशें बिछी होती जो कब्र भी कम पड़ जाते हैं आपको दफनाने के लिए। अब इससे बड़ा हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन करेंगे, पटना में करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री के पास आवास पर करेंगे, नीतीश कुमार जी के पास ये महावास पे करेंगे, मगर हम लोग बैठने वाले नहीं है जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। चलिए, ये आप सासाराम के नेकरा गांव से ग्रामीण जो चिकित्सक हैं उनका समस्याओं को आपने सुना। हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं कैसे खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।